मदनपुर पड़ाव मैदान पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र मदनपुर का 5वां वार्षिक उत्सव रविवार को मनाया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी प्रियंका बहन, सर्किल इंस्पेक्टर शैलेंद्र, थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था की सफलता पर प्रकाश डालते हुए सासाराम केंद्र की लीली दीदी ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में मूल शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा समाज का उत्थान और चरित्र निर्माण करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी संस्था को प्राप्त हुआ है। माउंट आबू से आए शिवानंद भाई ने कहा कि विश्व में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर यह संस्था प्रयासरत है। मनुष्य अपने कर्मों की बदौलत महान बनता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद सभी आगत बंधुओं को ईश्वरीय उपहार दिया गया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मूल निष्ठा समाज की स्थापना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। कार्यक्रम में औरंगाबाद MLC दिलीप कुमार सिंह, ज्ञानदत्त पाठक, राणा राधा रमन प्रताप सिंह, करुणेश भाई, रूपा बहन, भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, पैक्स अध्यक्ष अनुज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।